बच्चों अब हम सेवंथ प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस करेंगे, तो पहले हम सेवंथ प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो बच्चों सेवंथ प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसके दो आंसर होते हैं, एक आंसर होता है टू टाइम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स और एक आंसर होता है जीरो। बच्चों ये वाला आंसर कब होता है, जब फंक्शन इवन फंक्शन है। ये वाला कब होता है, जब आपका फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। अब ये इवन फंक्शन क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। अगर फंक्शन इवन है तो हम ये वाला फॉर्म लगाएंगे, और अगर फंक्शन ऑड है, अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है, उसका फॉर्मूला होता है एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर फंक्शन ऑड है तो हम ये वाला फॉर्म लगाएंगे। तो बच्चों पहले तो मैं ये बता दूं कि सेवन प्रॉपर्टी कब लगती है, जब इंटीग्रल इस फॉर्म में होना चाहिए, माइनस ए टू प्लस ए पहली चीज़, और सेकेंड फंक्शन इवन या फंक्शन ऑड होना चाहिए। तो हम सेवन प्रॉपर्टी कब लगाते हैं, जब दो चीज़ हो, पहली चीज़ इंटीग्रेशन इस फॉर्म में आना चाहिए, और सेकेंड चीज़ फंक्शन या तो इवन होना चाहिए, फंक्शन ऑड होना चाहिए। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर लिमिट क्या है, माइनस वन टू वन, मतलब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर भी लिमिट क्या है, माइनस वन से वन, मतलब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ भी लिमिट क्या है, माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, मतलब यहाँ भी क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ भी लिमिट क्या है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, मतलब यहाँ भी क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ रहा है। और बच्चों मैं बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ये वन मार्क्स में पूछे जाते हैं। जी हाँ बच्चों, ये सारे क्वेश्चन वन मार्क्स में पूछे जाते हैं। और मैं तो आपको ये भी बता दूँ, इन सभी के आंसर जीरो आएंगे। जी हाँ बच्चों, इन सभी के आंसर जीरो आएंगे। क्यों आएंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं ये सारे क्वेश्चन वन मार्क्स के क्वेश्चन है और सबके आंसर जीरो है। क्यों जीरो है वो मैं बताता हूँ, हम इस प्रॉपर्टी से बताएंगे इन सबके आंसर जीरो है। तो चलिए बच्चों करते हैं पहला क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को आई सपोज कर लीजिए, तो आएगा माइनस वन टू वन x की पावर 17 cos 4x। ठीक है बच्चों, अब आप देख रहे हो ये जो इंटीग्रेशन है वो इस फॉर्म में आ रहा है, माइनस ए टू ए, यहाँ पर माइनस वन टू वन, मतलब जो लिमिट है वो इस फॉर्म में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले को एफ एक्स मानेंगे। अंदर वाले को क्या मानेंगे, एफ एक्स। तो लिख दीजिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू x की पावर 17 cos 4x। अब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है। वो चेक करने के लिए हमें ये वाले फॉर्मूले चेक करना पड़ेंगे, और ये वाले फॉर्मूले चेक करने के लिए हम यहाँ पर x की प्लेस पर माइनस x रखेंगे। जी बच्चों, x की प्लेस पर क्या रखेंगे, माइनस x, और देखेंगे एफ एक्स आ रहा है कि माइनस एफ एक्स आ रहा है। तो बच्चों x की प्लेस पर माइनस x रख दो, तो यहाँ पर आएगा f माइनस x, और यहाँ पर x की प्लेस पर माइनस x रख दो तो आएगा माइनस x की पावर 17, और यहाँ पर आएगा cos, और x की प्लेस पर क्या रखा, माइनस x। जैसा कि आप जानते हो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो बच्चों ये वाला माइनस गायब हो जाता है। वैसे ही इस फॉर्मूले से ये वाला माइनस गायब हो जाएगा, लेकिन माइनस की पावर 17 है, अगर माइनस की पावर ऑड नंबर आता है तो बाहर माइनस आता है। जी बच्चों, माइनस की पावर 17 है तो बाहर क्या आएगा, माइनस, और x की पावर 17 ही आएगा, और ये माइनस इस फॉर्मूले से गायब हो जाएगा, तो आएगा cos 4x। अब आप ध्यान से देखो, इस साइड क्या चल रहा है, इस साइड चल रहा है एफ माइनस एक्स, यहाँ क्या चल रहा है, माइनस। और बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, चेक कर लीजिए, इसकी वैल्यू एफ एक्स से, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ देखो ये और ये दिखने में एक जैसे है, और इसकी वैल्यू एफ एक्स है, तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, एफ एक्स।
इसका मतलब हमने ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर दिया है। अब आप चेक करो ये किसका फॉर्मूला है, बच्चों चेक करो ये फॉर्मूला ऑड फंक्शन का है। इसका मतलब आपने क्या बता दिया कि जो फंक्शन है अगर ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई करते हो तो जो फंक्शन है वो कैसा है, ऑड फंक्शन। तो चेक कर लो आपने कौन सा फॉर्मूला बताया है, नीचे वाला, मतलब आपका फंक्शन कैसा है ऑड, मतलब ये जो फंक्शन है कैसा है ऑड। तो लिख दीजिए इम्प्लाइज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, और आप चेक कर सकते हो अगर फंक्शन ऑड है तो इसका आंसर जीरो होता है। अगर फंक्शन ऑड है, अगर फंक्शन ऑड है तो इस इंटीग्रल का आंसर जीरो होता है, मतलब माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का आंसर क्या होता है, जीरो। अब वैल्यू पुट कर दो माइनस ए टू ए, तो यहाँ पर लिमिट क्या है, यहाँ पर लिमिट है माइनस वन टू वन, यहाँ पर लिमिट क्या है माइनस वन टू वन, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस वन टू वन। और एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स की पावर 17 कॉस की पावर 4x डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है, जीरो। देख लीजिए ये आंसर आ चुका है, केवल आपने ये बताया कि फंक्शन ऑड है और फंक्शन ऑड होता है तो आंसर क्या होता है, जीरो। होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया है तो अभी और क्वेश्चन बचे हैं वो भी करवा रहा हूँ। तो बच्चों ये आंसर आया है फर्स्ट का जिसका आंसर मिला है जीरो। अब हम करते हैं सेकंड वाला, चारों क्वेश्चन सेम ऐसे ही होंगे, अब हम करते हैं सेकंड वाला बच्चों। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन को आप आई मान लो, इसका आंसर भी जीरो आएगा, सेम इसी तरीके से आएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार करके। तो बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन है माइनस वन से वन साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx। तो सबसे पहले क्या करो, चेक करो कि ये इंटीग्रल इस इंटीग्रल के फॉर्म में आ रहा है, जी हाँ बच्चों आ रहा है। देख लियो एक लिमिट माइनस में है, एक लिमिट प्लस में है, या भी एक लिमिट माइनस में है, एक लिमिट प्लस में है, मतलब ये वाला इस इंटीग्रल के फॉर्म में आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि जो अंदर वाला फंक्शन है वो इवन है कि ऑड। चेक करने के लिए आप इसको एफ एक्स मान लो, जी हाँ बच्चों इस अंदर वाले को एफ एक्स मान लो, तो साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x। अब आप क्या करो, x की प्लेस पर माइनस एक्स रखो। तो बच्चों x की प्लेस पर माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन, और यहाँ आएगा माइनस एक्स, यहाँ पर आएगा कॉस, और यहाँ आएगा माइनस एक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस होता है और कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, मतलब साइन का माइनस बाहर आ जाता है और कॉस का माइनस गायब हो जाता है। तो बच्चों ये वाले फॉर्मूले यहाँ लगा दो तो यहाँ आएगा एफ माइनस एक्स, और बताओ ये माइनस साइन बाहर आएगा और वो माइनस की पावर 5 माइनस ही आएगा, क्योंकि पावर 5 है ऑड नंबर है, अगर पावर ऑड नंबर है तो आंसर माइनस आता है। तो बच्चों ये माइनस बाहर आएगा, फिर उस माइनस की पावर 5 होगी तो आंसर माइनस ही आएगा, और क्या बचेगा, सेम ही बचेगा साइन की पावर 5x। लेकिन कॉस वाला माइनस गायब हो जाएगा, मतलब ये माइनस हट जाएगा, तो ये हट जाएगा तो क्या आएगा बच्चों, कॉस की पावर 4x। अब आप बताओ इस टर्म की वैल्यू क्या है, देख लीजिए ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम इसकी जगह यहाँ से क्या रख सकते हैं, एफ एक्स। तो बच्चों इससे चल रहा है ए माइनस एक्स, बीच में माइनस, और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, एफ एक्स। अब आप खुद चेक कर लीजिए ये किसका फॉर्मूला है, बच्चों चेक कर लो ये किसका फॉर्मूला है, नीचे वाला, और ये फॉर्मूला ऑड फंक्शन का है। तो आप लिख दीजिए इम्प्लाइज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, जी हाँ बच्चों एफ एक्स क्या हो गया, ऑड फंक्शन, और फंक्शन ऑड होता है तो इस इंटीग्रल का आंसर जीरो आता है। हैंस जी हाँ बच्चों अगर फंक्शन ऑड होता है तो इस इंटीग्रल का आंसर जीरो आता है। तो लिख दीजिए माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का आंसर क्या आता है, जीरो। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर लिमिट माइनस ए टू ए है लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, माइनस वन टू वन, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस वन टू वन, और अंदर क्या है एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू है साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x dx।
और इक्वल टू में क्या आ रहा है, जीरो। तो आपका इस सवाल का आंसर आ गया है जीरो। होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। सेम पहले और सेकंड जैसे ही थर्ड और फोर्थ है वो भी ऐसे ही करना। तो ये वाला मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ और ये वाला भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। सेम आपको फर्स्ट और सेकंड को देखकर इनका आंसर निकालना है। होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चों। इसके मैं और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था जिसके मैंने दो करवाए, दो होमवर्क दिए। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ये बच्चों अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में भी चार क्वेश्चन है। फर्स्ट है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लॉग पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है माइनस 5 to 5 माइनस 5 to 5 एक्स कॉस ई एक्स माइनस 1 ई एक्स प्लस 1 डी एक्स। थर्ड नंबर है माइनस 1 to 1 लॉग 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स डी एक्स। और फोर्थ नंबर है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लॉग 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो चलिए बच्चों ये चार क्वेश्चन करते हैं। सेम इसी तरीके से होगा और मैं फिर बता दूं इन चारों के आंसर फिर जीरो आएंगे क्योंकि ये वाला फॉर्मूला फिर से सेटिस्फाई होगा। मतलब आपका फंक्शन ऑड फंक्शन होगा जिससे आपका इंटीग्रल का आंसर जीरो आएगा। तो बच्चों इन चारों के आंसर फिर जीरो आएंगे। इन चारों में से मैं फिर आपको दो सवाल करवा रहा हूँ। तो बच्चों मैं आपको करवा रहा हूँ सेकंड वाला और फर्स्ट वाला। जी बच्चों फर्स्ट और सेकंड करवा रहा हूँ। थर्ड होमवर्क है, फोर्थ भी होमवर्क है और ये सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। इन चार इन सारे क्वेश्चन के आंसर जीरो है। अब जीरो कैसे आएगा अब फिर बता देता हूँ। तो बच्चों करते हैं पहला वाला। सबसे पहले तो आप इसको आई मान लो, सबसे पहले तो आप इसको आई मान लो। अब अंदर वाले को, जी हाँ बच्चों, इस अंदर वाले को एफ एक्स मान लो। अब आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पर जो लिमिट है वो इसी फॉर्म में आ रही है माइनस ए टू ए, यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो पहली चीज़ तो हो गई कि लिमिट इस फॉर्म में आ रही है। सेकंड चीज़ हमें ये चेक करना है कि जो फंक्शन है या तो इवन होना चाहिए या क्या होना चाहिए ऑड। वो चेक करने के लिए अंदर वाले को एफ एक्स मानो। ये बच्चों अंदर वाले को एफ एक्स मानो। तो एफ एक्स क्या हो गया, लॉग पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। बच्चों अब हम क्या करेंगे, एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स रखेंगे। तो एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स रख दो तो यहाँ पर आएगा एफ माइनस एक्स। और बच्चों यहाँ पर आएगा एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स का स्क्वेयर करेंगे तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर आएगा पी एक्स स्क्वेयर और यहाँ एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स रखा तो आएगा माइनस का क्यू एक्स प्लस आर। नीचे बताओ बच्चों, तो यहाँ पर हमने एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स रखा तो माइनस एक्स का स्क्वेयर होता है एक्स स्क्वेयर। और यहाँ हमने एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स रखा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस क्यू एक्स प्लस में आर। ठीक है बच्चों, अब हम इस टर्म को ऐसा लिख सकते हैं क्या? जी बच्चों इसको हम ऊपर ले गए, उल्टा करा तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इनवर्स। ठीक है बच्चों, अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख देंगे और बाहर इन्वर्स लगा देंगे। इन्वर्स मतलब उल्टा, तो ये इन्वर्स होगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। तो समझ लीजिए बच्चों इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमने क्या लिख दिया है, इन्वर्स मतलब इसका उल्टा। उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये माइनस साइन को आगे ले जाओ,
बच्चों ये माइनस साइन को कहाँ ले जाओ, आगे, तो ये माइनस साइन आगे आएगा तो यहाँ पे आएगा माइनस, और ये टर्म आएगा लॉग पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। अब आप खुद ध्यान से देखो बच्चों, ये चल रहा है ए माइनस एक्स, यहाँ चल रहा है माइनस। अब आप ध्यान से देखो ये टर्म की वैल्यू, ये टर्म की वैल्यू एफ एक्स है, चेक कर लो ये और ये दिखने में एक जैसे है, और इसकी वैल्यू एफ एक्स है, तो हम इसकी जगह एफ एक्स पुट कर सकते हैं, तो यहाँ रख दीजिए एफ एक्स। अब आप समझ गए होंगे कि ये किसका फॉर्मूला है, ऑड फंक्शन का, तो यहाँ लिख दीजिए इम्प्लाइज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। और आप बताओ अगर फंक्शन ऑड है, देन अगर फंक्शन ऑड है तो इंटीग्रल क्या होता है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का आंसर जीरो होता है। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, जीरो। इसका आंसर जीरो होता है, इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, जीरो। तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू लॉग पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस आर, इसका आंसर भी क्या होगा, जीरो। ठीक है बच्चों, आगे होगा समझ में। अब हम सेकेंड वाला करते हैं, ये भी ऐसे करेंगे, थर्ड वाला भी ऐसे करेंगे, फोर्थ वाला भी ऐसे करेंगे। तो थर्ड और फोर्थ तो मैंने होमवर्क दे दिया है, अब हम करते हैं बच्चों सेकेंड वाला। जी हाँ बच्चों, अब हम करते हैं सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन है, इसको आई मान लो। तो बच्चों सेकेंड वाले क्वेश्चन को आई मान लो, तो क्वेश्चन है माइनस फाइव से फाइव एक्स कॉस ब्रैकेट में ई की पावर एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस वन डी एक्स। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप अंदर वाले को एफ एक्स मान लो। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले आप अंदर वाले को क्या मान लो, एफ एक्स। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स कॉस ई की पावर एक्स माइनस वन ई की पावर एक्स प्लस वन। बच्चों अब आपको करना क्या है, अब आपको x की जगह माइनस एक्स रखना है। तो बताओ x की जगह माइनस एक्स रखा तो यहाँ पर आएगा माइनस एक्स, और यहाँ पर आएगा माइनस एक्स, और यहाँ आएगा x की जगह माइनस एक्स रखा तो ए की पावर माइनस एक्स माइनस वन, ए की पावर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते चलो। तो ये cos, अब बच्चों e की पावर माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन, और इसको भी हम लिख सकते हैं वन अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन। एलसीएम ले लो। तो बच्चों एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए ई की पावर एक्स एलसीएम आएगा ऊपर, और नीचे भी ई की पावर एक्स एलसीएम आएगा, तो एलसीएम एलसीएम कट जाएगा। लेकिन कटने से पहले इन इसका इंटू इससे होगा, इसका इंटू इससे होगा, तो यहाँ पर आएगा वन माइनस ई की पावर एक्स, यहाँ पे आएगा वन प्लस ई की पावर एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एफ माइनस एक्स, यहाँ चल रहा है माइनस एक्स, यहाँ चल रहा है कॉस। अब आप क्या करो, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लो। जी हाँ बच्चों, ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लो। अगर हम ऊपर से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, तो आएगा ई की पावर एक्स माइनस वन, और ये तो प्लस है तो प्लस को तो हम आगे पीछे उल्टा सीधा लिख सकते हैं, तो उसको आप आगे पीछे कर दो तो आएगा e की पावर x प्लस वन। और बच्चों cos का एंगल माइनस हो तो माइनस गायब हो जाता है, अभी भी मैंने आपको बताया है cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, तो ये वाला माइनस गायब हो जाता है, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, गायब। तो बच्चों क्या आएगा, माइनस एक्स, और ये माइनस गायब हो गया, तो क्या आएगा e की पावर x माइनस वन e की पावर x प्लस वन। अब आप चेक कर लो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है एफ एक्स, तो हम इसकी जगह एफ एक्स पुट कर देंगे, वो बाहर के चल रहा है माइनस, और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, एफ एक्स, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, एफ माइनस एक्स। तो बच्चों बता दीजिए ये किसका फॉर्मूला है, चेक कर लो, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, ये किसका फॉर्मूला है, ऑड फंक्शन का। तो लिख दीजिए इम्प्लाइज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। और आप बताइए अगर फंक्शन ऑड है, अगर फंक्शन ऑड है तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा, जीरो। देन
देन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर आएगा जीरो। इसका मतलब हमारे इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा, जीरो। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के जैसा थर्ड और फोर्थ है वो आप कर लेना। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑड फंक्शन वाले करे और ऑड फंक्शन का आंसर जीरो आता है, ठीक है। अब हम इवन फंक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इवन फंक्शन का आंसर जीरो नहीं आता, एक इंटीग्रल आता है और बाद में उसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ता है। तो बच्चों अब हम इवन फंक्शन के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें मैं आपको दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों, मैं फर्स्ट करवा रहा हूँ और थर्ड करवाऊँगा, सेकेंड वाला बच्चों आपको करना है। तो सेकेंड वाला होमवर्क है। चलिए बच्चों करते हैं। तो पहले करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको आप आई मान लो। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो इंटीग्रल की लिमिट है वो इसी फॉर्म में आ रही है, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि लिमिट माइनस ए टू ए के फॉर्म में आना चाहिए जो आ रही है। सेकेंड चीज़, जो अंदर वाला फंक्शन है वो इवन होना चाहिए और होना चाहिए। अब हम वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप अंदर वाले को एफ एक्स मान लो। जी बच्चों, अंदर वाले को क्या मान लो, एफ एक्स। तो एफ एक्स माना तो आएगा साइन की पावर 4x। अब आप x की जगह माइनस एक्स रखो। तो बच्चों x की जगह माइनस एक्स रखा तो यहाँ आएगा माइनस एक्स, और यहाँ पर आएगा x की जगह माइनस, सॉरी बच्चों क्वेश्चन में स्क्वेयर है, मैंने 4 लिख दिया है, तो आप करेक्शन कर लो। तो यहाँ पर आएगा स्क्वेयर, यहाँ पर भी आएगा स्क्वेयर, और x की जगह रखा माइनस एक्स। बच्चों जैसा कि आप जानते हो साइन का जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। तो जी हाँ बच्चों, साइन का माइनस बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ बच्चों, ये जो माइनस है बाहर आ जाएगा, लेकिन इस माइनस का स्क्वेयर भी होगा और स्क्वेयर करने पर वो प्लस हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये माइनस इस फॉर्मूले से बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आया, लेकिन यह स्क्वेयर चल रहा है तो उस माइनस का स्क्वेयर भी होगा, स्क्वेयर होने से वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस इनडायरेक्टली प्लस हो जाएगा। तो बच्चों प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वेयर एक्स। होप आपको ये समझ में आया हो। तो बच्चों ये माइनस साइन बाहर तो आया, लेकिन उसका स्क्वेयर होने से क्या हो गया, प्लस। तो इसका आंसर क्या आ गया, साइन स्क्वेयर एक्स। अब आप ध्यान से देखो, साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, एफ एक्स। अब आप बताइए ये कौन सा फॉर्मूला है, ऊपर वाला फॉर्मूला है कि नीचे वाला। अब आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला ऊपर वाला है। इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा है, इवन। इसका मतलब इम्प्लाइज आपका फंक्शन क्या है, इवन। अब बच्चों ध्यान सुनना, अगर फंक्शन इवन होता है तो इस इंटीग्रल का आंसर ऊपर वाला आता है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ए टू ए, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या आएगा ऊपर वाला, तो आएगा टू टाइम्स जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। जी हाँ बच्चों, इसका आंसर जीरो नहीं आता, इसका आंसर इंटीग्रल में ही आता है। अब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो आप वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ चल रहा है माइनस ए टू ए, और हमारे क्वेश्चन में लिमिट क्या है, माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर। तो यहाँ पर हम हमारे क्वेश्चन की लिमिट लिखेंगे माइनस पाई बाय फोर से प्लस पाई बाय फोर। अंदर क्या है, एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, और बच्चों यहाँ चल रहा है टू टाइम्स, जी बच्चों टू आ गया, और लिमिट क्या है, लिमिट है जीरो से ए, लिमिट क्या है जीरो से ए, और ए की वैल्यू कितनी बच्चों, ए की वैल्यू पाई बाय फोर है। जी बच्चों ए की वैल्यू क्या है, ए मतलब अपर लिमिट, और ए की वैल्यू कितनी है पाई बाय फोर, तो यहाँ पर ए की जगह आएगा पाई बाय फोर। और अंदर क्या है, एफ एक्स, और एफ एक्स साइन स्क्वेयर एक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वेयर एक्स। पर ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर आंसर जीरो नहीं आता, यहाँ पर आंसर इंटीग्रल आता है। अब आपको इसका इंटीग्रल निकालना है, इंटीग्रल निकालना आपको आता है। तो हम अब हम साइन स्क्वेयर एक्स का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों अब आप साइन स्क्वेयर एक्स का लगा दो फॉर्मूला, जो होता है वन माइनस कॉस टू एक्स बाय टू,
और ये टू से टू कट जाएगा। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए तो बच्चों वन का इंटीग्रेशन x होता है और cos 2x का होता है sin 2x अपॉन में 2 और लिमिट क्या चल रही है 0 से पाई बाय 4। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। जी हाँ बच्चों, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक बार करेंगे अपर लिमिट एक बार करेंगे लोअर लिमिट। तो बच्चों पहले इस साइड क्या चल रहा है, इस साइड चल रहा है माइनस पाई बाय 4, सॉरी बच्चों इस साइड क्या चल रहा है, इस साइड चल रहा है माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। और यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह रखेंगे अपर लिमिट, बच्चों यहाँ पर आएगा पाई बाय 4 और यहाँ पर x की जगह पाई बाय 4 रखेंगे, x की जगह पाई बाय 4 रखेंगे तो 4 और 2 कट जाएगा तो पाई बाय 2 बचेगा, तो यहाँ पर आएगा साइन पाई बाय 2 और अपॉन में क्या चल रहा है 2। बच्चों जब आप लोअर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ 0 रखेंगे 0 आएगा और यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी क्या आएगा 0, मतलब लोअर लिमिट क्या आएगी 0, इसका मतलब लोअर लिमिट नहीं आएगी केवल अपर लिमिट आएगी। तो बच्चों ये हो गया पाई बाय 4 और साइन पाई बाय 2 बच्चों 1 होता है तो आंसर आ गया 1/2। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये वाला होमवर्क है। इसके मैं आपको हिंट देता हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन में भी इवन फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन में आने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बस यहाँ पर स्क्वेयर की जगह 4 आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वेयर की जगह 4 आ जाएगा, फिर इस 4 को स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख देना, 4 को क्या लिख देना स्क्वेयर का स्क्वेयर, फिर साइन स्क्वेयर एक्स का ये वाला फॉर्मूला लगा देना, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देना और बाहर क्या चल रहा है होल स्क्वेयर। अब यहाँ लगा देना a माइनस बी का होल स्क्वेयर और यहाँ 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा। तो बच्चों इसके आगे आप कर लेना, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वेयर खुलेगा, फिर लास्ट में इंटीग्रेशन कर देना और लिमिट पुट कर देना। तो चलिए बच्चों पहला वाला करवा दिया है, सेकेंड वाले की मैंने हिंट समझा दी है, अब मैं करवा रहा हूँ थर्ड वाला। ये बच्चों अब मैं करवा रहा हूँ थर्ड वाला। तो सबसे पहले इस थर्ड वाले को आई मान लो, तो सबसे पहले इस थर्ड वाले को आई मान लो, तो आई क्या हो गया माइनस वन से वन e की पावर मॉडुलस एक्स डी एक्स। बच्चों सबसे पहले इस अंदर वाले को एफ एक्स मानो, अंदर वाले को क्या मानो एफ एक्स, तो एफ एक्स क्या हो गया e की पावर मॉडुलस एक्स। अब आप एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, तो x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो यहाँ आएगा माइनस एक्स और यहाँ पर आएगा x की जगह माइनस एक्स रखा तो आएगा माइनस एक्स। बच्चों इस माइनस साइन को हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस वन इंटू मॉडुलस एक्स। ये बच्चों इस माइनस साइन को सेपरेट कर लिया, माइनस को अलग मोड में रख दिया, x को अलग मोड में रख दिया। अब सब जानते हैं कि माइनस साइन का मॉडुलस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये बच्चों तो ये माइनस वन मॉडुलस के बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस वन हट जाएगा तो बचेगा क्या e की पावर मॉडुलस x, और मॉडुलस e की पावर मॉडुलस x किसके बराबर है एफ एक्स के, तो यहाँ पर एफ एक्स आ जाएगा और इस साइड क्या चल रहा है एफ माइनस एक्स। अब आप बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इवन फंक्शन का है, तो यहाँ लिख दीजिए हैंस या इम्प्लाइज एफ एक्स इज इवन फंक्शन। और बच्चों अगर फंक्शन इवन है तो फॉर्मूला ये लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। जी बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे ऊपर वाला, तो फॉर्मूला क्या है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टाइम्स जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। अब वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर हमारी लिमिट है माइनस वन से वन, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस वन से वन और एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एफ एक्स की जगह लिखेंगे e की पावर मॉडुलस एक्स डी एक्स, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 0 और a की वैल्यू क्या है बच्चों 1 और एफ एक्स कितना है e की पावर मॉडुलस एक्स डी एक्स। बच्चों अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूँ। बच्चों ये मॉडुलस वाला सवाल है, कल ही मैंने आपको बताया था मॉडुलस का आंसर प्लस भी होता है, मॉडुलस का आंसर माइनस भी होता है। अगर अंदर पॉजिटिव है तो आंसर प्लस आएगा, अगर अंदर नेगेटिव है तो आंसर माइनस आएगा।
वो चेक करने के लिए हम जीरो और वन के बीच में कोई भी एक वैल्यू लेते हैं। बच्चों जीरो और वन के बीच में हमने लिया 0.5, अब 0.5 को यहाँ रखेंगे तो 0.5 ही आएगा, मतलब आंसर प्लस आएगा। और अगर आंसर प्लस आता है तो मॉडुलस हटाकर प्लस लगा दो। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर प्लस आ रहा है, मतलब आपका मॉडुलस हटेगा और बाहर क्या आएगा, प्लस। तो यह गया 2, यह हो गया 0, और ये मॉडुलस हट जाएगा और बाहर प्लस आ जाएगा। तो बाहर प्लस लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है, तो x हो जाएगा। और e की पावर x का इंटीग्रेशन कर दो, तो बच्चों e की पावर x का होता है e की पावर x, और लिमिट क्या आएगी पीछे, एक बार अपर लिमिट लगाएंगे एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे। तो बच्चों x की जगह 1 रखा तो e की पावर 1 आएगा, और x की जगह 0 रखा तो e की पावर 0 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2, और e की पावर 1 e होता है और e की पावर 0 1 होता है। दिस इज फाइनल आंसर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। बच्चों अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। बच्चों इवन फंक्शन का मैं एक और होमवर्क दे रहा हूँ, लिख लो। तो 9 के 3rd थे तो ये 4th नंबर करके एक होमवर्क और लिख लो, इवन फंक्शन वाला है। तो होमवर्क है माइनस पाए से पाए कॉस एक्स माइनस साइन बी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। बच्चों इसकी हिंट सुन लो, इसकी हिंट सुन लो। सबसे पहले आप इसको आई मान लेना, आई मानने के बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab, तो 2 cos x sin bx dx। ठीक है बच्चों, अब आप इसको इंटीग्रल सेपरेट कर लेना। तो इंटीग्रल सेपरेट करोगे तो आएगा माइनस पाए से पाए cos स्क्वेयर x dx, फिर आएगा माइनस पाए से पाए साइन स्क्वेयर बी एक्स डी एक्स, फिर आएगा टू भाग माइनस पाए से पाए कॉस एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। बच्चों अब क्या करना, अब तीनों इंटीग्रल को अलग अलग नाम देना, इसको आई वन नाम दे देना, इसको आई टू नाम दे देना, और इस वाले को आई थ्री नाम दे देना। ठीक है, फिर आप आई वन को लेके सॉल्व करना, और बच्चों इसको एफ एक्स मान लेना, और बच्चों ये इवन फंक्शन आएगा। क्या आएगा, इवन। तो इवन फंक्शन में ये वाला फॉर्म लगा देना। फिर आई टू को लेके सॉल्व करना, तो आई टू वाला भी बच्चों इवन फंक्शन आएगा, तो इवन वाले में ये वाला फॉर्म लगा देना। लेकिन जब आप आई थ्री सॉल्व करोगे तो आई थ्री में ये वाला फंक्शन ऑड फंक्शन आएगा। ये बच्चों ये वाला फंक्शन इवन नहीं आएगा, चेक करना, ये वाला फंक्शन ऑड फंक्शन आएगा, और ऑड फंक्शन से इंटीग्रल का आंसर जीरो आ जाएगा। ये बच्चों आई थ्री वाला जो इंटीग्रल है उसका आंसर जीरो आ जाएगा। केवल आपको आई वन कैलकुलेट करना है और आई टू कैलकुलेट करना है, और आई थ्री इसलिए जीरो आएगा क्योंकि वो ऑड फंक्शन है। होप आपको ये हिंट समझ में आ गई होगी, तो इसके आगे आप कर लेना, ये होमवर्क है। चलिए बच्चों इसी के साथ ये हमारी ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आपको। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम 6th नंबर प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन करते हैं। अब आप 6th नंबर प्रॉपर्टी समझ लीजिए क्या है, तो देख लीजिए बच्चों 6th प्रॉपर्टी को। सबसे पहले 6th नंबर प्रॉपर्टी को लिख लो वेरी 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 मोस्ट टाइम पे। जी बच्चों सबसे पहले आप 6th नंबर प्रॉपर्टी को लिख लो वेरी 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 मोस्ट टाइम पे। अब सारे क्वेश्चन में बच्चों यही प्रॉपर्टी लगती है। जी बच्चों सारे क्वेश्चन में 6th नंबर प्रॉपर्टी लगती है। समझ लो ये प्रॉपर्टी भगवान है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बच्चों उसमें भी यही प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब इसी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आता है। ये भगवान प्रॉपर्टी है और भगवान एग्जाम में जरूर आएंगे। तो बच्चों पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। तो 6th नंबर प्रॉपर्टी क्या है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। बच्चों सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वाली प्रॉपर्टी जब लगती है, जब लोअर लिमिट 0। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये वाली प्रॉपर्टी कब लगती है, जब लोअर लिमिट 0 हो। बच्चों कभी भी लोअर लिमिट 0 हो तो हम भगवान वाली ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब इसको अप्लाई कैसे करना वो ध्यान से देख लो। ये वाली प्रॉपर्टी को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी 0 से a है, यहाँ भी 0 से a है, यहाँ भी f है, यहाँ भी f है,
यहाँ dx है, यहाँ भी dx है, केवल एक जगह चेंज हो रहा है, यहाँ पर x है और यहाँ पर a माइनस x है। तो बच्चों जब भी ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ तो आपको क्या करना है, x की प्लेस पर a माइनस x लिखना है। तो क्या लिखेंगे, रिप्लेस x बाय a माइनस x, और a क्या होता है, a होता है अपर लिमिट। ए क्या होता है बच्चों, अपर लिमिट, मतलब आपको x की प्लेस पर लिखना है x बाय अपर लिमिट माइनस x। तो बच्चों आप ये रट लो कि जब भी आपको ये भगवान वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करना हो तो क्या फॉर्म लगाना, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x। ठीक है, तो जब भी आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करना हो तो ये फॉर्मूला याद कर लो, x की जगह क्या लिखना है, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x। तो चलिए बच्चों अब हम इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों अब हम सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी पर क्वेश्चंस करते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, जीरो से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो से a एफ a माइनस x डी एक्स। बच्चों ये प्रॉपर्टी कब अप्लाई करते हैं, जब लोअर लिमिट जीरो हो। आप चेक कर लो, यहाँ भी लोअर लिमिट जीरो है और यहाँ भी लोअर लिमिट जीरो है। अगर लोअर लिमिट जीरो होती है तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाई कैसे करते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया, इसको अप्लाई कैसे करते हैं, रिप्लेस एक्स बाय अपर लिमिट माइनस एक्स। तो हम x को किससे रिप्लेस करेंगे, अपर लिमिट माइनस x से। तो चलिए बच्चों करते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसमें दो क्वेश्चन हैं, दोनों मैं ही करवा रहा हूँ। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप इसको i मान लो। तो i क्या है, 0 से 2 एक्स स्क्वेयर अंडर रूट 2 माइनस x डी एक्स। अब हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। तो बच्चों एग्जाम में प्रॉपर्टी 6 ऐसा मत लिखना और उसकी जगह ये वाला फॉर्मूला लिख देना। एग्जाम में प्रॉपर्टी 6 मत करना, बस यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिख के आ जाना। तो मेरा लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ बाई यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, बस P6 मत लिखना, बस एग्जाम में फॉर्मूला मेंशन कर देना। होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी नंबर 6 का फॉर्मूला लिख देना। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, अप्लाई कैसे करते हैं, लिखा हुआ है अप्लाई कैसे करते हैं, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x। x को अपर लिमिट माइनस x से रिप्लेस करना है। तो आप बताओ अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट 2 है। तो यहाँ पर अपर लिमिट की जगह 2 आएगा और आगे क्या लिखा है, माइनस x। तो आपको अगर 6 नंबर की प्रॉपर्टी लगाना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जिसमें क्या लिखा है, रिप्लेस x बाय 2 माइनस x। ये 2 कहाँ से आया, अपर लिमिट से। अपर लिमिट क्या है, 2। अब आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ x लिखा उसकी जगह 2 माइनस x लिखना है। तो बताइए बच्चों क्या आएगा। तो यहाँ चल रहा है 0 से 2 और x की प्लेस पर क्या लिखना है, 2 माइनस x। तो यहाँ पर आएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर, अंडर रूट आएगा, फिर आएगा 2 माइनस और x की प्लेस पर क्या लिखना है, 2 माइनस x। अब बच्चों ये माइनस का इनटू करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो आएगा 0 से 2, यहाँ पर फॉर्मूला खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आएगा माइनस का 4x और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आएगा अंडर रूट x। बच्चों अब ये सिंपल सा इंटीग्रल है, इसको सॉल्व कर लेना। थोड़ी सी हिंट देता हूँ, इस रूट एक्स का सबसे मल्टीप्लाई कर देना, इस रूट एक्स का सबसे मल्टीप्लाई कर देना, फिर सब का इंटीग्रेशन कर देना। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दे देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 0 से 2 और रूट एक्स का इससे मल्टीप्लाई करा तो आएगा 4 रूट एक्स। रूट एक्स का एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें पावर 2 है, इसकी पावर 1/2 है, पावर ऐड हो जाएगी तो 2 + 1/2। तो बच्चों आएगा एक्स की पावर 5/2 और इसका इससे मल्टीप्लाई करना तो एक्स का मल्टीप्लाई रूट एक्स से करते हैं तो एक्स की पावर 3/2 आता है। तो यहाँ पर आएगा 4 एक्स की पावर 3/2। ठीक है बच्चों अब इंटीग्रेशन कर लेना और लिमिट पुट कर देना। चलो इंटीग्रेशन भी करवा देता हूँ। तो
बच्चों रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, एक्स की पावर 5/2 का होता है एक्स की पावर 7/2 अपॉन 7/2, और एक्स की पावर 3/2 का होता है एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2, और इंटीग्रेशन होने के बाद ये लिमिट कहाँ जाएगी, पीछे। अब बच्चों लिमिट अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद का बच्चों होमवर्क है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और ये वाली प्रॉपर्टी कैसे लगाना है होप वो भी समझ में आया हो। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम इस प्रॉपर्टी के, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और ये प्रॉपर्टी वेरी मोस्ट एमपीए, लिख लो कंफर्म एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आएगा। मैंने अभी भी इस प्रॉपर्टी को क्या बोला है, भगवान प्रॉपर्टी है। जी हाँ बच्चों, भगवान प्रॉपर्टी है, ये एग्जाम में जरूर आती है। अब हम इसके और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो अभी हम करते हैं सेकेंड वाला। चलो बच्चों अब हम करते हैं सेकंड वाला। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप आई मान लो, तो क्या लिखा, 0 से 1 एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन डी एक्स। बच्चों अब हम इसमें भी यही भगवान प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इसमें भी यही भगवान प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। भगवान प्रॉपर्टी मतलब P6, और ये वाली प्रॉपर्टी कब लगाते हैं, जब लोअर लिमिट 0 हो। तो इस क्वेश्चन में चेक कर लो, लोअर लिमिट 0 आ रही है, तो हम कौन सी लगा रहे हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, P6 प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। अब ये प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं, रिप्लेस, बच्चों ये तरीका है अप्लाई करने का। तो ये लाइन लिख दो, रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x, और अपर लिमिट कितना है, अपर लिमिट 1 है, तो यहाँ पर अपर लिमिट की जगह 1 आएगा, 1 माइनस x। इसका मतलब जो क्वेश्चन है उसमें जहाँ जहाँ x लिखा उसकी जगह 1 माइनस x लिख दो, जो क्वेश्चन है उसमें जहाँ जहाँ x लिखा उसकी जगह लिख दो 1 माइनस x। तो बच्चों बताओ क्या आएगा, तो आएगा 0 से 1, और x की जगह रखा 1 माइनस x, तो यहाँ आएगा 1 माइनस x, और यहाँ ब्रैकेट है, और 1 माइनस, और x की जगह फिर क्या लिखना है, 1 माइनस x, तो यहाँ फिर ब्रैकेट लगाओ और x की प्लेस पे लिख दो 1 माइनस x, और पावर में क्या चल रहा है, n। अब बच्चों ये माइनस माइनस 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि माइनस का n2 होगा, तो 1 1 कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 0 से 1 1 माइनस x, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x बचा, और x की पावर क्या है, n, तो x की पावर n dx। अब x की पावर n का अंदर मल्टीप्लाई करो, x की पावर n का मल्टीप्लाई करो, तो बच्चों ये हो गया 0 से 1, x की पावर n का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n आएगा, और x की पावर n का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 आएगा। अब केवल इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट करना है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 का x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और लिमिट क्या है, 0 से 1। अब बच्चों x की जगह एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और x की जगह एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे। बच्चों लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 ही आना है, और 0 आना है इसका मतलब आंसर केवल अपर लिमिट से आएगा, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, और यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ 0 रखेंगे 0 आएगा, इसका मतलब आपका आंसर केवल अपर लिमिट से आएगा। अब आप x की जगह 1 रख दो, तो यहाँ 1 रखा तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो आएगा 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ 1 रखा तो ये भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो 1 अपॉन n प्लस 2। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा, n प्लस 1 n प्लस 2, इसका इंटू इससे, तो n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो n कट जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं लिखा है वेरी 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 मोस्ट एमपी, और इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। बच्चों इस सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो सेम है, तो मैं सबका आपको वर्किंग रूल बता रहा हूँ, और एक और चीज़ बता रहा हूँ कि इन सबके एक ही आंसर आएंगे। जी बच्चों सबका आंसर π/4 आएगा,
पहले तो बता दूँ सबका आंसर पाई बाय फोर आएगा। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, सबका आंसर क्या आएगा? पाई बाय फोर। सबका आंसर पाई बाय फोर आएगा। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक जैसा है, तो मैं इनमें से दो क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी सारे होमवर्क है। अब सारे कैसे करना है मैं आपको उसका वर्किंग रूल बता दूँ, प्रोसीजर बता दूँ। तो बच्चों इन सारे क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उसको फॉलो करना, आपका चुटकी में आंसर पाई बाय फोर हो जाएगा। तो बच्चों करना क्या, जो भी क्वेश्चन उठाओ सबसे पहले उसको आई मान लो, जो भी क्वेश्चन उठाओ सबसे पहले उसको आई मान लो और इक्वेशन वन दे दो। आप जो भी क्वेश्चन करो उसको पहले आई मानो और इक्वेशन वन दे दो, इसके बाद इसमें प्रॉपर्टी नंबर सिक्स लगा दो, बाय प्रॉपर्टी नंबर सिक्स। तो प्रॉपर्टी नंबर सिक्स क्या होती है, जीरो से ए एफ ए सॉरी जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो से ए, जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो बच्चों क्या करना, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन उठाओ उसको आई मान लेना, इक्वेशन वन देना, फिर आप सिक्स नंबर की ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना जिसको मैंने भगवान बोला है। तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना। इसको कैसे अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं रिप्लेस एक्स बाय, रिप्लेस एक्स बाय अपर लिमिट माइनस एक्स। जब आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो उससे जो भी आंसर आएगा उसको इक्वेशन नंबर टू दे देना, उसको इक्वेशन नंबर टू दे देना, फिर आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को प्लस कर देना। तो जैसे आप प्लस करोगे तो इधर भी आई, इधर भी आई, तो दोनों को प्लस करेंगे तो दो बार आई। जी बच्चों, एक बार ऊपर आई, एक बार नीचे आई, दोनों को प्लस करेंगे तो हमें कितनी बार आई, दो बार आई। और बच्चों जब आप यहाँ प्लस करोगे तो यहाँ पर एक जादू होगा। जी बच्चों, जब आप यहाँ प्लस करोगे तो यहाँ पर एक जादू होगा, वो जब क्वेश्चन करवाऊँगा जब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल बता दूँ कि यहाँ जादू क्या होगा, जब भी आप यहाँ प्लस करोगे तो यहाँ पर अंदर वन बचेगा। जी बच्चों, सब कट पिट जाएंगे, केवल वन बचेगा। कैसे होगा मैं क्वेश्चन में करवाऊँगा। तो बच्चों अब इसका केवल इंटीग्रेशन करना है। तो वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है और लिमिट आएगी जीरो से पाई बाय टू। अब आप अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट तो जीरो है, तो केवल अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर आएगा पाई बाय टू, और टू का इंटू टू से करेंगे तो आई का आंसर आ गया पाई बाय फोर। तो देख लीजिए बच्चों, पाई बाय फोर आ गया है। तो बच्चों वापस से मैं इस वर्किंग रूल को, इस प्रोसीजर को रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। बच्चों करना क्या, आप जो भी क्वेश्चन करो मैं इसमें से दो करवाऊंगा, बाकी के दस आपको करना है। तो क्या करना, इस प्रोसीजर को फॉलो करना। मान लो आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो इसको आई मान लो, इक्वेशन वन दे दो, फिर इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो जिसका नाम क्या है, पी सिक्स प्रॉपर्टी है। पी सिक्स की जगह एग्जाम में ये वाली प्रॉपर्टी लिख के आ जाना, चेक करने वाला नंबर दे देगा। बस ये नंबर मत डालना कि सिक्स नंबर प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये तो अपने अकॉर्डिंग अपने नंबर सिक्स है तो अपन ने सिक्स लिखा है, ठीक है। तो आप तो केवल ये वाली प्रॉपर्टी मेंशन कर देना। इसको अप्लाई कैसे करना, रिप्लेस एक्स बाय अपर लिमिट माइनस एक्स, इससे जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन टू दे देना, फिर दोनों को प्लस कर देना। प्लस करने के बाद इस साइड क्या आएगा, इधर भी आई, इधर भी आई, तो आपको कितनी बार आई, दो बार आई, क्योंकि आप प्लस कर रहे हो। और जब आप इधर प्लस करोगे, राइट हैंड साइड प्लस करोगे, तो एक जादू होगा, एक चमत्कार होगा। चमत्कार क्या होगा, सब कट पिट के, सब कट पिट के यहाँ पर वन बचेगा। फिर वन का इंटीग्रेशन कर देना, एक्स लिमिट पीछे आ जाएगी, फिर अपर लिमिट पुट करना, लोअर लिमिट तो जीरो है, जीरो हो जाएगा, और टू का इंटू टू से कर देना फोर। होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब इस प्रोसीजर को मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस जगह पर देख लीजिए, आराम से वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो। तो बच्चों होप आपने ये प्रोसीजर को समझ लिया होगा। अब हम इसमें से कोई दो क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन हम करते हैं पांचवा नंबर, और एक क्वेश्चन हम करेंगे ये वाला पांचवा करते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं इलेवंथ वाला। जी बच्चों, हम दो क्वेश्चन कर रहे हैं, एक पांचवा नंबर और एक इलेवंथ नंबर। तो करते हैं पहले पांचवा नंबर। जी बच्चों, मैं दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पांचवा और ग्यारहवा, पांचवा और ग्यारहवा करवा रहा हूँ, बाकी सारे होमवर्क है। आपको केवल पांचवा ग्यारहवा अच्छे से समझना है। तो मैंने बोला कि जो भी क्वेश्चन आए उसको आप आई मानो और इक्वेशन वन दे दो। जैसे आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इसको आई मान लो। जी बच्चों, इस क्वेश्चन को मान लो आई, तो जीरो से पाई बाय टू यहाँ पर आएगा रूट साइन एक्स,
अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो। अब आप यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर सिक्स लगा दो। जी हाँ बच्चों, बाय प्रॉपर्टी नंबर सिक्स क्या है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं रिप्लेस एक्स बाय अपर लिमिट माइनस एक्स, और अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है बच्चों, अपर लिमिट है पाई बाय टू, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय टू। मतलब आपको जहाँ जहाँ एक्स लिखा है उसकी जगह पाई बाय टू माइनस एक्स लिखना है, जहाँ जहाँ एक्स लिखा है उसकी जगह क्या लिखना है, पाई बाय टू माइनस एक्स। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, तो जीरो से पाई बाय टू और एक्स की जगह, जी बच्चों ये एक्स है, इस x की जगह हमें लिखना है पाई बाय टू माइनस एक्स, तो यहाँ पर आएगा साइन और x की जगह लिखा पाई बाय टू माइनस एक्स। नीचे भी लिखेंगे तो रूट साइन x की जगह लिखेंगे पाई बाय टू माइनस एक्स, और यहाँ भी x की जगह लिखेंगे पाई बाय टू माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर टू दे देना। ये बच्चों साइन पाई बाय टू माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, साइन पाई बाय टू माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स। इधर क्या आएगा बच्चों, इधर फॉर्म लगाया तो इधर भी आएगा कॉस एक्स, और इधर फॉर्म लगाया तो कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स होता है साइन एक्स। अब आप इसको इक्वेशन नंबर टू दे दो, फिर आप इक्वेशन वन और टू को प्लस कर दो। ये बच्चों इक्वेशन वन और टू को प्लस कर दो, तो देखिए बच्चों जब आप दोनों को प्लस करोगे तो इधर आई है इधर भी आई है, तो प्लस करेंगे तो कितनी बार आई, दो बार आई, एक ऊपर आई एक बार नीचे आई, प्लस करेंगे तो हमें दो बार आई। अब बच्चों इस साइड प्लस करेंगे तो ध्यान से देखना, तो बच्चों अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो दोनों लिख दो, तो और दोनों की लिमिट सेम है, दोनों का इंटीग्रल सेम है, तो हम इंटीग्रल कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रल कॉमन ले लेंगे और इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर लिखा रूट साइन एक्स अपॉन में क्या लिखा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, बीच में प्लस करेंगे क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, इससे प्लस कर रहे हैं तो अब ये लिखेंगे, तो रूट कॉस एक्स और अपॉन में ये है, तो उसको आप आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि प्लस है, तो प्लस में उल्टा सीधा लिख सकते हैं, तो इसको लिख दो पहले, तो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और लास्ट में डी एक्स। अब बच्चों एलसीएम ले लो, जी हाँ बच्चों एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद चमत्कार होगा। जी हाँ बच्चों क्या चमत्कार होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चल रहा है टू आई और यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, तो बच्चों आप एलसीएम लेते हो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम ही आएगा, तो एलसीएम आएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। और जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर भी सेम ही आते हैं, तो ये दोनों एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे, तो इस साइड आएगा रूट साइन एक्स और इस साइड आएगा रूट कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, मैं वापस से बोल दूं, जब दोनों के नीचे वाले सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम ही आता है, और जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर भी सेम ही आते हैं। अब ये टर्म कट जाएगा, मैंने आपसे कहा था चमत्कार होगा, ये सारे सवालों में ऐसा होगा, अकेले इस सवाल में नहीं होगा, सभी में वन आएगा, तो यहाँ कट गया, तो बच्चों अंदर क्या आएगा वन, और वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, और लिमिट क्या चल रही है जीरो से पाई बाय टू, लिमिट क्या चल रही है जीरो से पाई बाय टू। तो बच्चों अब आप अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट क्या है पाई बाय टू, लोअर लिमिट तो जीरो है और टू नीचे इनटू होगा, तो आई का आंसर क्या आएगा पाई बाय फोर। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैंने अभी आपको पांचवा करवाया, अब मैं आपको इलेवंथ वाला करवा रहा हूँ, तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं इलेवंथ वाला, ये मैं मिटा देता हूँ, होप आपने लिख लिया होगा। तो चलिए बच्चों अब मैं करवा रहा हूँ इलेवंथ वाला। बच्चों इलेवंथ वाला करने के लिए मैंने आपको कहा सबसे पहले इसको आई मान लो, अब मैं करवा रहा हूँ इलेवंथ वाला, तो सबसे पहले इसको आई मान लो और इक्वेशन वन दे दो, तो आएगा जीरो से पाई बाय टू टेन की पावर सेवन एक्स
अपॉन में कॉट की पावर 7x प्लस 10 की पावर 7x। तो बच्चों आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको आपके दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, अब आप इसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दो, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 6। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 6 है रिप्लेस x बाय अपर लिमिट माइनस x। अपर लिमिट क्या है? पाई बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाय 2। तो हमें x को रिप्लेस करना है पाई बाय 2 माइनस x से, मतलब जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह पाई बाय 2 माइनस x लिखना है। तो लिख दीजिए बच्चों क्या आएगा, तो 0 से पाई बाय 2 और यहाँ पर x की जगह लिखा पाई बाय 2 माइनस x, नीचे भी x की जगह लिखा पाई बाय 2 माइनस x और यहाँ भी x की जगह लिखा पाई बाय 2 माइनस x। बच्चों सभी जानते हैं tan पाई बाय 2 माइनस x क्या होता है? cot x। cot पाई बाय 2 माइनस x क्या होता है? tan x। तो मैं लिखवा देता हूँ अगर आपको नहीं पता हो तो, tan पाई बाय 2 माइनस x होता है cot x और cot पाई बाय 2 माइनस x होता है tan x। अब ये दोनों फार्मूले अप्लाई कर दो तो बच्चों बताओ क्या आएगा। दोनों फार्मूले अप्लाई करेंगे तो आएगा 0 से पाई बाय 2 और tan पाई बाय 2 माइनस x होता है cot x, तो यहाँ पर आएगा cot की पावर 7x और यहाँ cot पाई बाय 2 माइनस x होता है tan x, तो यहाँ पर आएगा tan की पावर 7x और tan पाई बाय 2 माइनस x होता है cot x, तो यहाँ आएगा cot की पावर 7x। अब आप दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो। जी हाँ बच्चों, इस इक्वेशन को नंबर 2 दे दो। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस कर दो तो बच्चों इधर भी आई, एक बार इधर भी आई, तो आपको कितनी बार आई? 2 बार आई, क्योंकि आप दोनों को प्लस कर रहे हो। तो एक बार ऊपर आई, एक बार नीचे आई, तो आपको टोटल 2 बार आई। ठीक है, अब आप ये प्लस करो तो बच्चों इनको प्लस कैसे करते हैं? इसकी लिमिट, इसकी लिमिट, इसका इंटीग्रल सेम है तो इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रल कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट लिखेंगे। यहाँ पर इसको इससे प्लस कर रहे हैं तो पहले इसको लिख दो, तो tan की पावर 7x अपॉन में cot की पावर 7x प्लस tan की पावर 7x, प्लस कर रहे हैं इससे, तो यहाँ पर आएगा cot की पावर 7x अपॉन में tan की पावर 7x प्लस cot की पावर 7x और लास्ट में क्या आएगा? dx, क्योंकि यहाँ भी dx है, यहाँ भी dx है, तो dx कॉमन आ जाएगा। तो बच्चों अब इसका एलसीएम ले लो। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो, देखो ये और ये दिखने में एक जैसे आगे पीछे लिखा है लेकिन सेम ही तो है, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? सेम। तो एलसीएम क्या आएगा बच्चों? टेन की पावर 7x प्लस कॉट की पावर 7x। और बच्चों जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम आता है, और जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर भी कॉपी हो जाते हैं। जब बच्चों न्यूमरेटर भी सेम आ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा टेन की पावर 7x और यहाँ पर आएगा कॉट की पावर 7x और लास्ट में चल रहा है dx। बच्चों दोनों दिखने में एक जैसे है तो कट जाएगा, दोनों दिखने में एक जैसे तो कट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर लिख देता हूँ, तो कट जाएगा, 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन x होता है और लिमिट क्या चल रही है? 0 से पाई बाय 2। तो बच्चों अब लगाएंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट पाई बाय 2 आएगी, लोअर लिमिट तो 0 है और 2 का इंटू 2 से आएगा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? पाई बाय 4। होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आप बोले तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। चलिए बच्चों मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, मैं करवाता हूँ 9th वाला। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ 9th वाला। तो ये 9th वाला और करवा देता हूँ, ये भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने 2 करवाए। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, अब मैं करवा रहा हूँ 9th वाला। चलिए तो बताइए वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल ये है कि जो भी क्वेश्चन करो पहले आप उसको i मान लो। तो आपने उसको i माना तो i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 और ऊपर चल रहा है साइन की पावर nx, नीचे चल रहा है साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx।
और इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो। हम ये वाला कर रहे हैं। अब हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर सिक्स लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी नंबर सिक्स क्या है, रिप्लेस एक्स बाय अपर लिमिट माइनस एक्स। अब अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट पाई बाय टू है, तो यहाँ पर अपर लिमिट की जगह रख देंगे पाई बाय टू। इसका मतलब हमें x को पाई बाय टू माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, मतलब जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह पाई बाय टू माइनस एक्स लिखेंगे। तो बताइए बच्चों क्या आएगा, तो ये होगा जीरो से पाई बाय टू, और हमने x की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स लिखा, हमने x की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स लिखा, और यहाँ भी x की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स लिखा। ठीक है, अब बच्चों साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, एन तो एन ही रहेगा। साइन पाई बाय टू माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, एन एन ही रहेगा, और कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स होता है साइन एक्स, और एन एन ही रहेगा। तो आपकी अगली स्टेप बच्चों क्या आएगी, आपकी अगली स्टेप आएगी, तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, और एन एन ही रहेगा। यहाँ भी क्या आएगा बच्चों, कॉस एक्स और एन एन ही रहेगा, और यहाँ भी आएगा साइन की पावर एन एक्स। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर टू। अब आप दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, तो बच्चों दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो एक बार ऊपर आई एक बार नीचे आई, तो बताइए आपको टोटल कितनी बार आई, दो बार आई, क्योंकि आप प्लस कर रहे हो तो आई प्लस आई दो बार आई, और इस साइड प्लस करेंगे तो आप डायरेक्ट प्लस कर दो। बच्चों डायरेक्ट प्लस करते हैं तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो जब आप प्लस करोगे तो एलसीएम क्या आएगा, सेम। प्लस करोगे तो एलसीएम सेम आएगा, और जब एलसीएम सेम आता है तो न्यूमरेटर भी सेम आते हैं, तो यहाँ पर आएगा साइन की पावर एन एक्स, बीच में प्लस आएगा क्योंकि प्लस कर रहे हो, और यहाँ पर आएगा कॉस की पावर एन एक्स। और बच्चों ये दोनों कट जाएंगे तो वन आएगा, वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और लिमिट क्या चल रही है, जीरो से पाई बाय टू, एक बार रखेंगे पाई बाय टू एक बार रखेंगे जीरो, तो जीरो पे तो जीरो आएगा, पाई बाय टू रखेंगे तो पाई बाय टू आएगा। तो बच्चों आई का आंसर क्या आ गया, आई का आंसर आ गया पाई बाय फोर। होप आपको ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए हो, बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होप आपको समझ में आ गए हो। अब आपको मैं इन्हीं क्वेश्चन से प्रॉपर्टी नंबर फाइव समझा रहा हूँ। तो बच्चों अब मैं आपको इन्हीं सारे क्वेश्चन से प्रॉपर्टी नंबर फाइव समझा रहा हूँ। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर फाइव है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स जी एक्स। बच्चों अगर नीचे भी लिमिट आ जाए तो हम प्रॉपर्टी नंबर फाइव लगाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सिक्स कब लगाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर सिक्स जब लगाते हैं जब लिमिट क्या हो, नीचे जीरो। तो ये प्रॉपर्टी नंबर सिक्स है। अब ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नीचे जीरो आता है तो हम प्रॉपर्टी नंबर सिक्स लगाते हैं, अगर नीचे जीरो नहीं आए तो हम प्रॉपर्टी नंबर फाइव लगाते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर फाइव समझा रहा हूँ, अगर नीचे जीरो नहीं आता है तो हम प्रॉपर्टी नंबर फाइव लगाते हैं। उसको अप्लाई कैसे करते हैं, देखो यहाँ भी लिमिट सेम है, यहाँ भी लिमिट सेम है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, बस यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर एक्स लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है, ए प्लस बी माइनस एक्स। बच्चों यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर ए माइनस एक्स था, तो हम एक्स को किससे रिप्लेस करते थे, ए माइनस एक्स से। यहाँ पर हम एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, तो मैं बता दूँ यहाँ पर हम रिप्लेस एक्स बाय ए प्लस बी माइनस एक्स। मतलब ए मतलब होता है लोअर लिमिट, ए मतलब होता है लोअर लिमिट, बी मतलब होता है अपर लिमिट माइनस एक्स। मतलब हम इसको कैसे याद करेंगे, जी बच्चों हम इसको याद करेंगे कि एक्स को रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से। जी बच्चों अब क्या करवा रहा हूँ, ध्यान सुनना, अब मैं इन्हीं क्वेश्चन को प्रॉपर्टी नंबर फाइव से करवाऊंगा, तो सारे क्वेश्चन की मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ। जी हाँ बच्चों क्वेश्चन सेम ही है, सबके क्वेश्चन सेम ही है, यही क्वेश्चन है, बस लिमिट में सबकी बदल रहा हूँ, लिमिट में सबकी बदल रहा हूँ।
वो क्यों बदल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 5 समझा रहा हूँ। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन करना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है, अभी 11 खत्म हुआ, 12th में भी यही क्वेश्चन है, बस लिमिट चेंज कर रहा हूँ। अभी लिमिट 0 से पाई बाय 2 थी, अब मैं लिमिट कर रहा हूँ पाई बाय 6 से पाई बाय 3 सभी क्वेश्चन में। ये बच्चों सभी क्वेश्चन में पाई बाय 6 से पाई बाय 3 कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नीचे लिमिट रखूँगा तो ही तो हम ये वाले फॉर्म लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब लिमिट 0 हो, और ये वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब नीचे 0 ना हो। तो मैं यहाँ पर नीचे 0 नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ पाई बाय 6 से पाई बाय 3। तो सब में कर लो चेंज, तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3 सब में कर लो। तो सारे क्वेश्चन में हम पाई बाय 6 से पाई बाय 3 कर लेते हैं और हमारा नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो बच्चों सभी में करना है पाई बाय 6 से पाई बाय 3, सभी में पाई बाय 6 से पाई बाय 3 लिमिट कर लो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बन गया। तो ये हो गया पाई बाय 6 से पाई बाय 3, यहाँ भी पाई बाय 6 से पाई बाय 3, यहाँ भी पाई बाय 6 से पाई बाय 3। तो मैं आपको बता दूँ प्रॉपर्टी नंबर 6 कब लगाते हैं, जब लोअर लिमिट 0 हो, और प्रॉपर्टी नंबर 5 कब लगाते हैं, जब लोअर लिमिट 0 ना हो। अब आप चेक कर लो, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 नहीं है, इसका मतलब हम इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। और प्रॉपर्टी नंबर 5 कैसे लगाते हैं, रिप्लेस एक्स बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो बच्चों हमें इन क्वेश्चन को करने का वर्किंग रूल लिखवा रहा हूँ, तो वो आप लिख लीजिए, जिससे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बच्चों अब मैं इन क्वेश्चन को करने का क्या लिखवा रहा हूँ, वर्किंग रूल। ये क्वेश्चन नंबर 12 का है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का अब मैं आपको वर्किंग रूल बता रहा हूँ, इसको फॉलो कर लेना तो ये सारे क्वेश्चन नंबर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो भी आप क्वेश्चन करो पहले उसको आई मान लो, और इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब हम यहाँ लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखते ना एग्ज़ाम में, प्रॉपर्टी नंबर 5 होती है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसको कैसे अप्लाई करना, एग्ज़ाम में प्रॉपर्टी तो लिख देना, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो लाइन भी लिख देना। इसको अप्लाई करते हैं रिप्लेस एक्स बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। मतलब हमें एक्स को लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करना है। तो जहाँ जहाँ एक्स होगा उसकी जगह ये लिख देना, जो आंसर आएगा उसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे देना। जी बच्चों जो आंसर आएगा उसको आप इक्वेशन नंबर 2 देना, फिर क्या होगा दोनों इक्वेशन को प्लस कर देना। जी हाँ बच्चों दोनों इक्वेशन को प्लस कर देना। जैसे आप प्लस करोगे तो यहाँ भी आई तो आपको कितनी बार आई, 2 बार आई। जब आप इस साइड प्लस करोगे तो चमत्कार होगा, वही चमत्कार जो क्वेश्चन नंबर 11th में हुआ था। जी हाँ बच्चों प्लस करोगे तो यहाँ पर कट पिट के 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आएगा, 101% 1 आएगा। और लिमिट क्या चल रही है, लिमिट चल रही है पाई बाय 6 से पाई बाय 3। और एक बात तो बताना भूल ही गया, इन सारे क्वेश्चन का आंसर एक जैसा आएगा, सबका आंसर पाई बाय 12 आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर पाई बाय 4 आता है, और इन सारे क्वेश्चन का आंसर पाई बाय 12 आएगा। बता देता हूँ कैसे आएगा, देख लीजिए इधर। तो बच्चों अब आप इंटीग्रेशन कर देना, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और लिमिट पीछे आ गई पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अब लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट पुट करो। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई, और यहाँ पर आएगा पाई। तो बच्चों इससे चल रहा है 2i, और 2 पाई में से एक पाई गया तो पाई, और अपॉन में 6, और 2 का इंटू 6 से करेंगे तो i इक्वल टू आ गया पाई बाय 12। देखा बच्चों पाई बाय 12 आया आंसर। होप आपको ये वर्किंग रूल समझ में आ गई हो। तो मैं वापस बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना है, अगर ये सारे क्वेश्चन करना है, तो इसकी वर्किंग रूल को फॉलो करना। पहले जो भी क्वेश्चन करो उसको आई मान के इक्वेशन 1 दे देना, फिर आप प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाना, एग्जाम में ये पूरा फॉर्मूला लिख देना। और इसको अप्लाई कैसे करना है, रिप्लेस एक्स बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स।
जो आएगा मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ये लिख देना, जो आएगा उसको इक्वेशन नंबर टू दे देना, फिर दोनों को प्लस कर देना, इधर टू आई आएगा, इधर प्लस करोगे तो कट पिट के वन आएगा, फिर वन का इंटीग्रेशन कर देना, फिर लिमिट पुट कर देना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, मैं इसमें से कोई से भी दो क्वेश्चन करवा देता हूँ, कोई से भी दो क्वेश्चन मैं आपके लिए करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं करवाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो बच्चों सबसे पहले मैं करवाता हूँ, फर्स्ट ही करवा देता हूँ, एक फर्स्ट करवा देता हूँ और एक करवाता हूँ टेंथ वाला। ये बच्चों एक पहला करवा देता हूँ और एक टेंथ वाला करवा देता हूँ। तो चलिए बच्चों पहले करते हैं फर्स्ट वाला। तो बच्चों जो भी क्वेश्चन आए, जैसे हम कर रहे हैं फर्स्ट वाला, उसको आप आई मान लो, जो भी क्वेश्चन आप करो उसको आप आई मान लो और इक्वेशन वन दे दो। तो आप इसको आई मान लो और लिमिट क्या है, पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, यहाँ चल रहा है साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर वन दे दो। अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर फाइव लगाएंगे। तो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर फाइव, तो एग्ज़ाम में फॉर्मूला मेंशन कर देना। तो फॉर्मूला होता है ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं वो लाइन लिख दो। तो बच्चों अप्लाई करते हैं रिप्लेस एक्स बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। अब बच्चों देखो लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट पाई बाय सिक्स है, तो लोअर लिमिट की जगह रख दो पाई बाय सिक्स। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट पाई बाय थ्री है, अपर लिमिट क्या है पाई बाय थ्री, तो यहाँ रख दो पाई बाय थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो बच्चों सिंप्लीफाई करोगे तो पाई बाय सिक्स होता है 30 डिग्री, पाई बाय थ्री होता है 60 डिग्री, पाई बाय सिक्स होता है 30 डिग्री, पाई बाय थ्री होता है 60 डिग्री, 30 प्लस 60 होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री होता है पाई बाय टू। तो बच्चों इन दोनों को सिंप्लीफाई करो, कैसे भी करो इनको प्लस करने पर पाई बाय टू आएगा, चाहे एलसीएम लेके करो चाहे 30 प्लस 60 करो, तो क्या आएगा पाई बाय टू आएगा, और इस साइड का चल रहा है माइनस एक्स। तो बच्चों इस दोनों को प्लस करने पर हमें मिलेगा पाई बाय टू। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स बाय पाई बाय टू माइनस एक्स। इसका मतलब जहाँ जहाँ एक्स लिखा है उसकी जगह पाई बाय टू माइनस एक्स लिखेंगे। तो लिख दो बच्चों क्या आएगा, तो इस साइड चल रहा है पाई बाय सिक्स, ऊपर चल रहा है पाई बाय थ्री, और हम एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं, एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस एक्स लिख रहे हैं, और यहाँ भी एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं पाई बाय टू माइनस एक्स, और इस साइड एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं पाई बाय टू माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, और साइन पाई बाय टू माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, और साइन पाई बाय टू माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, और कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स होता है साइन एक्स। इसको इक्वेशन नंबर टू दे दो। अब इक्वेशन वन और टू को प्लस कर दो। जी हाँ बच्चों, वन और टू को प्लस कर दो। तो एक बार ऊपर आई एक बार नीचे आई, दोनों को प्लस करेंगे तो आपको दो बार आई, ठीक है 2i। और इस साइड देख लीजिए बच्चों, दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों के एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आएंगे, जो कट के आंसर वन देगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट मत लिखना, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अभी पिछले क्वेश्चन में समझा दिया था। तो बच्चों आप दोनों को प्लस करोगे तो कट पिट के क्या आएगा वन। अब वन का इंटीग्रेशन कर दो। ये बच्चों वन का इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ चल रहा है 2i, और वन का इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट क्या चल रही है पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री। एक बार अपर लिमिट पुट करो, एक बार लोअर लिमिट पुट करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो पाई बाय सिक्स आएगा, करके देख लेना, और टू का टू से करोगे तो पाई बाय ट्वेल्व आएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब बच्चों मैं करवा रहा हूँ टेंथ वाला, अभी मैंने फर्स्ट करवाया, अब मैं टेंथ वाला करवा रहा हूँ। बाकी के होमवर्क है, या बच्चों बाकी के होमवर्क है आपको करना है, सारे क्वेश्चन एक जैसे और सबका आंसर पाई बाय ट्वेल्व आएगा। तो चलिए बच्चों अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टेंथ। तो बच्चों क्या करना है, अब तो याद हो गया होगा, जो भी क्वेश्चन करो पहले उसको आई मान लो और इक्वेशन नंबर वन दे दो। तो पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री,
रूट टेन एक्स अपॉन में रूट टेन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स डी एक्स, और इसको इक्वेशन में वन दे दो। अब यहाँ पर लगाओ प्रॉपर्टी नंबर 5। जी बच्चों, कौन सी प्रॉपर्टी? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5। और प्रॉपर्टी नंबर 5 कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने आपको एक लाइन लिखवाई है, रिप्लेस एक्स बाय लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। अब आप बताओ लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है? पाई बाय 6, तो यहाँ लिख दो पाई बाय 6। अपर लिमिट क्या है? पाई बाय 3, तो यहाँ लिख दो पाई बाय 3। अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, या जैसे प्लस करना है वैसे करो। तो चलो एलसीएम से बता देता हूँ, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 आएगा, तो यहाँ पर आएगा पाए, और यहाँ 2 का 2 होगा तो आएगा 2 पाए, और यहाँ चल रहा है माइनस एक्स, तो दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 3 पाए अपॉन 6, और ये कट जाएगा तो क्या आएगा, पाए बाय 2 माइनस एक्स। आया समझ में बच्चों? तो हमें एक्स को रिप्लेस करना है पाए बाय 2 माइनस एक्स से। तो बच्चों x को किससे रिप्लेस करना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स से, तो कर दीजिए। तो बच्चों जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह क्या लिखना है, पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसके आगे क्या लिखा है बच्चों, इसके आगे लिखा है रिप्लेस x बाय पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह लिखना है पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ चल रहा है पाई बाय 6, यहाँ चल रहा है पाई बाय 3, और हम x की जगह क्या लिख रहे हैं, पाई बाय 2 माइनस एक्स, और यहाँ भी हम x की जगह क्या लिख रहे हैं, पाई बाय 2 माइनस एक्स, और इधर भी हमने x की जगह क्या लिखा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, तो पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अब आप बताओ टेन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, तो यहाँ पर कॉट एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर टेन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉट एक्स, और यहाँ करेंगे तो कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स टेन एक्स। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करो। जी बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करो। तो बच्चों बताओ, अगर आप 1 और 2 को प्लस करेंगे तो मैं इस साइड लिखवा देता हूँ। अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करेंगे तो आई, और इस साइड भी आई, तो आई प्लस आई हमें दो बार आई। जी बच्चों, एक बार ऊपर आई, एक बार नीचे आई, तो कितनी बार आई, दो बार आई। और जब आप इनको प्लस करोगे तो दोनों के इंटीग्रेशन सेम है, तो इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 कॉमन आ जाएगा। और आप इसको जब आप इससे प्लस करोगे तो आप डायरेक्ट समझो, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम आएगा, और एलसीएम सेम आएगा तो न्यूमरेटर भी सेम आएंगे, फिर वो आपस में कट जाएंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1। ठीक है बच्चों, आगे होगा समझ में। फिर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट चल रही है पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अब एक बार अपर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट क्या है, पाई बाय 3, लोअर लिमिट क्या है, पाई बाय 6। एलसीएम ले लो। जी हाँ बच्चों, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 6, यहाँ पर आएगा 2 पाए, यहाँ पर आएगा पाए, तो ये हो गया पाई बाय 6, तो 2 का इंटू कर दो तो आई का आंसर आ गया पाई बाय 12। होप आपको समझ में आ गया हो, और आप बाकी के बचे हुए होमवर्क कर लेना। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।